भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टाई रहा। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 8 विकेट पर 230 रन बनाए थे। जवाब में इंडियन टीम 230 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। मैच टाई हो गया, लेकिन T20 मुकाबले की तरह इस मैच में सुपर ओवर नहीं कराया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैदान पर वापसी हुई। वनडे सीरीज के पहले मैच में रोहित श्रीलंका के खिलाफ खेलने उतरे और अर्धशतकीय पारी भी खेली, लेकिन मैच नहीं जीत पाए। भारत और श्रीलंका के बीच जब तीनों मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला हुआ, वो भी टाई हो गया था। इस मैच में सुपर ओवर करवाया गया, जहां इंडियन टीम ने आसानी से जीत हासिल की। वनडे सीरीज का पहला मैच टाई हुआ, लेकिन ICC के रूल की वजह से इस मुकाबले में सुपर ओवर नहीं कराया गया। दरअसल वनडे में ICC के ये नियम कुछ अलग है। इस फॉर्मेट के लिए सुपर ओवर का रूल नहीं है। 2019 वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर कराया गया था। सुपर ओवर भी टाई हो गया और विनर का फैसला सबसे ज्यादा बाउंड्री मारने के आधार पर हुआ। अब भारत श्रीलंका की इस सीरीज के बाकी 2 मैचों के आधार पर ही विनर का फैसला होगा। ऐसी और भी खबरों के लिए नेशन मिरर से जुड़े रहें।